दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। बड़ी हैरानी की बात है, अजय पाठक के शीर्ष हिमांशु ने ही कत्ल किया था, हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की गई। तो भी जब ये पहुंचा, इसने वहीं खाना खाया, उसी परिवार के साथ इसने खाना खाया, यानी मैं 30 तारीख की देर रात की बात कर रहा हूं। इसने उन्हीं परिवार के साथ खाना खाया और फिर जिनको वो महाराज जी कहता है, बाबा कहता है, उनके पैर दबाने लगा और फिर उसने अपने पैसे की अपनी समस्या बता के अपने पैसे मांगे कि मेरे वो पैसे दे दो। ऐसा अभियुक्त का कहना है अभी तक के उसके जो बयान है कि उसको दोबारा जब पैसे की उसने मांग की, उसे फिर उन्होंने ह्यूमिलिएट किया, गालियां दी और एक तरह से धिक्कार दिया। फिर वो चुपचाप नीचे आ गया, काफी इस चीज से शुभ धोके ऐसा वो बता रहा है कि उसने रोया और फिर उसने ठानी कि एक तो उसके अंदर थोड़ी ये भावना भी उत्पन्न हो गई कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशन की कि मुझे ह्यूमिलिएट किया जाता है मेरे पैसे के लिए, और बाकी जो उसकी माली समस्या थी, पैसे की समस्या थी, वो वहां पे थी ही। रविंद्र सुलानिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रविंद्र, शीर्ष से ही हत्यारा निकला है जो प्राइमर फेस से समझ में आ रहा है, जो एसपी बता रहे हैं, यानी शीर्ष से नहीं ऐसा किया है। राहुल देखिए, जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके बाद से लगातार जो है जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो ये था कि कोई बहुत ही करीबी इनका इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला निकलेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ है। इस तरीके शामली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा किया है। जो इनका खुद का शिष्य था जिसका नाम हिमांशु सैनी है, उसको गिरफ्तार किया गया है और इस हत्याकांड को अंजाम देना कबूल भी किया है राहुल। और ये हत्याकांड जो है पूरा वो पैसों के लालच में किया गया है, जैसा एसपी शामली का कहना है, क्योंकि उसके ऊपर 5 लाख रुपए का बैंक का कर्ज भी था। जो इनका शिष्य था हिमांशु, जो आरोपी है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए जो है उसने पैसों का इंतजाम करना था, जिसको लेकर के उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसके अलावा बैंक ने उसको एक लीगल नोटिस भी जारी किया था कि जो है जो बैंक पूरी जानकारी